हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी टेंशन आप लोग मार्केट के अंदर फेस कर रहे हो, जिस तरीके से जो मार्केट के अंदर हम लोग फॉल देख रहे हैं, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ऑल ओवर द मार्केट, ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। कैसे रिएक्ट करना है, क्यों हो रहा है, आगे कब तक चल सकता है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है तो क्रैश आएगा, ये क्रैश है या करेक्शन चल रहा है, सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलेंगे कि जो फेड ने जो मीटिंग में रेपो रेट बढ़ाया, जो इंडिया में रेपो रेट बढ़ रहा है, वो है क्या, एक्चुअल में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उस पर वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कितना और वो लोग बढ़ा सकते हैं, उससे हमारी मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हम सारे सेक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं, हम सारी मार्केट को स्टडी करने वाले हैं और एक कॉन्क्लूजन निकालेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक्स बाय करने का ये राइट टाइम है या नहीं है, या बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी करना स्टार्ट कर सकते हैं या मार्केट और ज्यादा फॉल कर सकती है, सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर आप स्टे ट्यून रहिए लास्ट तक और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और एक एक चीज को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कहां पे मार्केट पॉज ले सकती है। सो जैसा कि हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि मैं निफ्टी के चार्ट ओपन करा हुआ है, एंड सबसे पहले हम निफ्टी को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी जो न्यूज़ हम लोगों को सामने देखने को मिली है, वो न्यूज़ देखने को मिली थी कि अभी रिसेंटली फेड ने एफओएमसी मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक करा था, रेपो रेट अगर आप जैसे कहें। अब रेपो रेट सबसे पहले होता क्या है, कैसे हाइक हुआ, वो हाइक हुआ तो उससे हमें क्या नुकसान है, इकोनॉमी को क्या नुकसान है और वो हाइक क्यों करते हैं। सो एक बार चलते हैं अपने जरा हाउ आरबीआई रेपो रेट इफेक्ट कंज्यूमर्स, एक बार इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेपो रेट। अगर आप यहाँ पर स्टडी करोगे व्हाट इज रेपो रेट, सो बेसिकली रेपो रेट यहाँ पर आपको इस तरीके से समझना है कि ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो सारे कमर्शियल बैंक्स, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन पे चार्ज करा जाता है बोरोइंग के लिए, कि वो सेंट्रल बैंक से जो भी अमाउंट बोरो करते हैं उस पे इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो अगर सेंट्रल बैंक्स या कोई भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर बैंक से, सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं मनी, ठीक है, तो उन्हें 2% का इंटरेस्ट रेट पे करना है एंड वो उसके थ्रू क्लबिंग करके हमारा कंज्यूमर के साथ इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है, थ्रू मॉर्टगेज लोन हो गया, एवरी लोन हो गया, जो भी हम बैंक से डायरेक्टली लेते हैं। अब अगर रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा, यानी कि 2% से 2.75% बढ़ा, सो यानी कि जब भी सेंट्रल बैंक पैसा देगी सारे इंस्टीट्यूशंस को या कोई भी बैंक्स को, तो वो थोड़े हायर रेट पे देगी, ठीक है, उससे बैंक्स को नुकसान है। अब वो बैंक कवर अप करने के चक्कर पे हमारा जो इंटरेस्ट होगा, जैसे हमने बैंक से कोई लोन लिया तो वो लोन पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कंज्यूमर पे आता है। इससे फ़ायदा क्या होता है और इससे नुकसान क्या होता है, ये क्यों करा जाता है। रेपो रेट इसलिए बढ़ाया जाता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अगर टॉलरेंस लिमिट से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है 2 महीने या 3 महीने से लगातार, तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ को लेकर आते हैं जिससे हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। इससे होता क्या, जनरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का इन द सेंस हुआ कि मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा है, हमें वो पैसा को निकालना है, या हम जाते नहीं कि और पैसा हम लोग मार्केट के अंदर इन्फ्यूज़ करें, मार्केट इन टर्म्स ऑफ नॉट स्टॉक मार्केट, एवरी मार्केट, ठीक है। तो वो पैसा को इन्फ्यूज ना करने के चक्कर में अगर हम लोग बैंक से लोन लेने जाएंगे, वहाँ पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, बैंक से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो मार्केट में पैसा कम आएगा एंड उसकी वजह से हल्के करते 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 इन्फ्लेशन खत्म होता है, ठीक है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, आप चेक कर सकते हो, अगर आप डाटा स्टडी करोगे तो हर जगह इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, लेट मी जस्ट शो यू, जो अभी लास्ट मीटिंग थी जिसमें 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 75 बेसिस पॉइंट्स तो डेफिनेटली बढ़ा है, बट एग्जैक्टली उन्होंने ये चीज़ भी कहा था कि आने वाले अगले महीने में दोबारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं और दोबारा 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने उस चीज़ को अच्छा भी लिया और नेगेटिव भी लिया। अच्छा क्यों लिया, क्योंकि वो लोग स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, यूएस मार्केट स्ट्रिक्ट हो रही है कि हमें इन्फ्लेशन को बहुत तेज़ी से कंट्रोल में लाना होगा, तभी वो बहुत स्ट्रिक्टली 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई जा रही है। बट उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बात भी बोली थी कि हम लोग रिसेशन की बात नहीं कर रहे, हम रिसेशन लेकर आने की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हम एक स्ट्रिक्ट स्टैंड ले रहे हैं जिसकी वजह से हम बेसिस पॉइंट्स बढ़ाते रहेंगे बट उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा।
सो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, आप चेक कर सकते हैं, द सेंट्रल बैंक डिलीवर्ड अ 75 बेसिस पॉइंट्स राइट टेक ऑन वेडनेसडे एंड इट विल बिलीव्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। अगर आप नीचे चेक करोगे तो नीचे भी यहाँ पर इन लोगों ने लिख रखा है कि 75 बेसिस पॉइंट्स नेक्स्ट महीने भी बढ़ाने की बात चल रही है। ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ 50 बेसिस पॉइंट्स और अ 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज सीम मोस्ट लाइकली एट द नेक्स्ट फेड मीटिंग, तो वहां पर भी बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है कि मार्केट उसे इंडल्ज कर ले। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट एक हफ्ता और गिरती है, ठीक है, एक हफ्ता और मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, एक महीना और मार्केट लगातार गिरती है, और जैसी नेक्स्ट फेड मीटिंग आती है वो लोग 50 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक कर देते हैं। हमारी मार्केट उस चीज़ को, उस न्यूज़ को ऑलरेडी इंडल्ज कर चुकी है, बिकॉज वो जो फॉल आ रहा है वो उसी न्यूज़ के चक्कर में आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी 75 बेसिस पॉइंट्स का इन्होंने राइट हाइक करा है, तो वहाँ पर भी हम लोगों को पता था मार्केट जो फॉल कर रही थी वो उसी को इंडल्ज करने के लिए, उस न्यूज़ को इंडल्ज करने के लिए कर रही थी, वहाँ से मार्केट फॉल कर गई है, बट नाउ आई थिंक मार्केट कैन डू अ स्टेबल थिंग, ठीक है। तो एक बार सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, आते हैं दोबारा ग्राफ्स पे एंड प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस एक लोअर हाई क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा नहीं भी पता वो भी बहुत ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे से सुनना, आप देख सकते हैं कि जितने भी हाईस हैं वो सब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जितने भी लोज हैं वो भी लोअर लोज हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इट्स अ क्लियर, ऑन अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इट्स अ क्लियर डाउन ट्रेंड, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि एक बहुत अच्छा ये लेवल सपोर्ट है, बिकॉज आप देख सकते हैं इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, इट लेवल पे कंसोलिडेट करा एंड एक क्लियर ब्रेकआउट दिया था। इस क्लियर ब्रेकआउट के देने के बाद जिस लेवल से ब्रेकआउट आया था एग्जैक्टली उस लेवल पे जाके हॉल्ट कर चुका, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 15,280 रुपीज का, वहां पर जाके हॉल्ट करा है। अब ये लेवल मेरे को लगता है एक बाउंस्ड लेवल बन सकता है, ठीक है। क्यों बन सकता है उसके बारे में हम लोग और टेक्निकल बात करेंगे एंड बट अभी बेसिक समझते हैं। लेट सी कि अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता और एक डाउनफॉल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा जो सेकेंड लेवल है वो क्या है। सो आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल से 7500 से ऑलमोस्ट 18,500 तक गई है, ठीक है। हाउ मच परसेंट रिटर्न इसने जनरेट करा था, लेट मी जस्ट शो यू, ऑलमोस्ट 150% अपने लो से ही ऊपर गया है। एंड फॉल कितना करा है, अपने हाई से ही फॉल कितना करा है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 17-18%, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अगर 150 पॉइंट्स बढ़ के अगर वो 17-18% नीचे गिर रहा है तो एज हम उसे क्रैश के रूप में देंगे, ठीक है। तो एक टर्म्स है जो मैं आपके साथ क्लेरिफाई करना चाहूंगा, क्रैश वर्सेस करेक्शन क्या डिफरेंस है इस पे, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इंटरनेट का अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। क्रैश मैं उसे कहूंगा जो एक सडन आता है, एक बड़ी मूवमेंट पे आता है और वो कंटिन्यूस आता है, उस पर कोई रेंज बाउंड का सिनेरियो या हायर हाई हायर लो हमें देखने को नहीं मिलता, एक क्लियर फॉल होता है, ठीक है। एक कैंडल भी कम से कम 20% की मूवमेंट दे जाती है, उसे हम लोग एज अ क्रैश बोल सकते हैं। बट एज अ करेक्शन फेस अगर हम उसे बात करें तो इट्स अ क्लियर हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो होता है एंड बहुत इजीली गिरता है, ये नहीं कि एक बड़ी बड़ी शार्प शार्प मूवमेंट्स दे रहा है हर दिन। सो यहां पर आप समझिएगा, इस लेवल पे यहां से अगर ये नीचे गिरा था, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूंगा बट डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है क्रैश वर्सेस करेक्शन से रिलेटेड। इस लेवल से इस लेवल तक एक फॉल आई है, ठीक है, तो ऐसा मैं इसे ले लेता हूँ, कितनी परसेंट की फॉल आई है, ऑलमोस्ट 7.5% की फॉल आई है। क्या इसे हम ऐसे क्रैश बोलेंगे, नो, ऐसा हम इसे करेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक सडन फॉल आई है, इस सडन फॉल को हम एज अ क्रैश बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कहीं पॉज नहीं लिया है। आप एक एक कैंडल का परसेंटेज चेक करना, ठीक है, लेट सी कि इस लेवल पे क्लोजिंग दी एंड ये री कैंडल 7% का, इस लेवल पे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी एंड ये कैंडल था ये 10% की कैंडल। नेक्स्ट डे आप देख सकते हो, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 12%, मतलब पहले 7% का फॉल, फिर 10% का फॉल नेक्स्ट डे, और अगले दिन 12% का फॉल, ठीक है, और ये फॉल कंटिन्यू होते रहे। इसको हम एज अ क्रैश बोलते हैं, जो एक सडन मूवमेंट पे, एक इम्पल्स मूवमेंट पे नीचे जाता है या ऊपर जाता है, ठीक है, हम इसे एज अ क्रैश नहीं बोलेंगे। बहुत ईजी वे पे गया है और एक उसने नया हाई भी क्रिएट करा है, हम इसे एज अ क्रैश नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये आराम से आया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई नीड टर्म क्रैश को अगर मैं सिंपल वे में डिफाइन करूँ, जिस दिन भी
मार्केट अगर नीचे जा रही है और एक कैंडल बियरिश कैंडल 10% से ज्यादा अगर गिर जाती है एक दिन में, तो हम वहां पर उसे एज अ टर्म क्रैश डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये कैंडल ने फॉल करा ऑलमोस्ट 5% तक का ये वाली कैंडल का फॉल था एंड आफ्टर दैट इट गिव अ वेरी पॉसिबल रिवर्सल। यहां पर इसने करेक्शन करा एंड इट क्रिएट अ वेरी गुड पॉसिबल रिवर्सल। यहां पर इसने करेक्शन करा इट क्रिएट अ वेरी गुड पॉसिबल रिवर्सल। यहां पर इट क्रिएटेड अ लोअर लो एंड लोअर हाई। आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहां पर चल रहा है एग्जैक्टली उसी तरीके से यहां पर भी ये सेम चीज चली थी, बट आफ्टर दैट इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड वो ऊपर गया। सो दैट मीन इट्स नॉट अ क्रैश, इट्स अ करेक्शन। ठीक है, सो ये टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। चलो लेट्स टेक कि अब क्या कर सकते हैं। ये लेवल जो मैंने आपको बताया जिस लेवल पे अभी पॉज लिया है, क्या इज इट द राइट टाइम टू बाय? अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू बाय। सो लेट्स टेक, ठीक है, सो लेट मी ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, ठीक है, मैं सारी ड्रॉइंग्स को अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप लोगों ने इलियट वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। इलियट वेव थ्योरी क्या कहती है कि लगातार अगर ऑन अ लोअर लो लोअर हाई 5 points तक डाउन है तो दैट मीन इट्स अ पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम पीरियड के लिए, आ सकता है, ABC पैटर्न फॉर्म कर सकता है, बट आ सकता है। ठीक है, एंड उस 1 to 5 वेव के अंदर भी मल्टीपल 1 to 5 वेव्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है जनरली, हमने ये देखा गया है, अगर मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करना चाहूँ इस चीज को, इस लेवल से इस तरीके का कोई एक सिनेरियो बना। ठीक है, या तो यहां पर आप देख रहे हो 5 वेव्स आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, कैसे? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। ठीक है, इस फिफ्थ वेव के बाद क्या होता है जनरली, हम लोग एक पॉसिबल रिवर्सल देखते हैं। दैट मींस कि ये नीचे आएगा, या तो एक डबल बॉटम क्रिएट करेगा या ऊपर आएगा एंड इट गेव अ वेरी गुड मोमेंटम टू दिस लेवल। ठीक है, ये अपने इस लेवल तक बहुत क्लियरली आ जाता है। लेट मी जस्ट शो यू इस लेवल तक। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर इसे ऊपर जाना है ऊपर जाए, नीचे जाना है नीचे जाए, बट इसका जो टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स होते हैं वो क्लियर हो चुके होते हैं। आई विल लेट यू एक्सप्लेन वंस अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स अ फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, दिस इज वॉट वी कॉल ए, बी एंड सी। फिफ्थ वेव के बाद ABC पैटर्न बनता है एज अ रिवर्सल पैटर्न, और वो रिवर्सल पैटर्न बुलिश बियरिश कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 5 वेव्स जो बनी है वो ऑन अ डाउन ट्रेंड बनी है, दैट मीन्स अ पॉसिबल रिवर्सल कैन बी ऑन एन अपसाइड। ठीक है, और अगर ये 5 वेव्स ऑन एन अप ट्रेंड बनी होगी दैट मीन्स अ पॉसिबल रिवर्सल कैन बी ऑन अ डाउन साइड फॉर ABC पैटर्न। ठीक है, सो एक बार ऊपर चलते हैं एंड मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अभी एंड इसको क्लियरली एक बार समझते हैं। लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स अ फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद पॉसिबली ABC बन सकता है। सो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स स्टडी इलियट वेव थ्योरी। ठीक है, लेट्स स्टडी इलियट वेव थ्योरी, इलियट वेव रिवर्सल्स फाइंड करते हैं। लेट्स टेक एन इमेज एंड इस इमेज के अंदर, या इस इमेज के अंदर लेट्स टेक दिस इमेज। आई थिंक यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई जस्ट सेव दिस इमेज एंड या सो इस इमेज को अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स अ फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड अ फिफ्थ वेव, देन ABC। बट अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो यू कैन सी दैट एक फर्स्ट वेव के अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5 वेव्स बन रहे हैं, ऑन सेकेंड वेव के अंदर ABC पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ABC पैटर्न। सो आप समझ रहे हो एक वेव के अंदर भी एक वेव बन रही है पूरी। सो चलिए लेट्स टेक इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। सो आप देख पा रहे होगे, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर व्हाई डिड यू टेक दिस एज अ फिफ्थ वेव, आप क्योंकि यहां से भी ये ऊपर गया है, आपने एग्जैक्टली इस लेवल को क्यों एज अ फिफ्थ वेव लिया? बिकॉज इट्स एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल जो मैंने अभी आप लोगों को शो करा। चलिए लेट्स गो टू अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम लेट मी रिमूव दिस एंड अब और क्लियरली समझते हैं। ऑन अ फर्स्ट वेव दैट इज 1 वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव के बाद क्या हुआ? एक अच्छा हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, यस और नो, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ जो आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ठीक है, फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें तो एक क्लियर हम लोगों को साइंस देखने को मिले। अगर हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड वेव, थर्ड वेव की, ऑन अ थर्ड वेव अगर हम स्टडी करते हैं दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक पॉसिबल रिवर्सल, ठीक है। अगर हम इस वेव की बात करते हैं तो इस वेव पे आप चेक कर सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव। एज यू कैन सी इट हियर, एक क्लियर स्टैंड हमें देखने को मिल रहा है। हमने हमेशा ये देखा है कि एक फिफ्थ वेव के बाद एक पॉसिबल रिवर्सल आ रहा है, इस लेवल पे भी आया, एग्जैक्टली इस लेवल पे भी आया, एंड यहां पर भी हम एक पॉसिबल रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है एक चीज को समझने के लिए, कि हमें ट्रेड लेना है यहां पर नहीं लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेक करें, जब इस लेवल पे रिवर्सल हमें देखने को मिला तो यहाँ पर एक टाइप ऑफ अ काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा कि एक डोजी थी, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल था, एंड आफ्टर दैट अ वेरी गुड गैप अब देखा और एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करी, अच्छा पैटर्न था। यहां पर हम समझे तो यहां पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं था, बट कंसिस्टेंट बेसिस पे ऊपर जाते रहा, इट फॉर द फॉल, यहां पर एक बाय एंट्री बन सकती थी। सो हमें ये चीज समझनी है कि ये जो लेवल है, क्या ये लेवल राइट टाइम है टू एंटर? फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट जो मैंने आपको बोला 15,280 पे हमें देखने को मिल रही है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया, वहां पर एक सपोर्ट है और एग्जैक्टली उसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। सॉरी 180 की मैं बात कर रहा था। सो क्या वो राइट टाइम है बाय करने का? नहीं, हमें वेट करना है फॉर दिस बियरिश कैंडल टू क्लोज अबव इट्स मीडियन, ठीक है। अगर ये इसके मिड पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज कर लेगा देन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, ठीक है, देन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि एक बहुत ज्यादा ही बियरिश कैंडल थी, एंड आफ्टर दैट अगर आप चेक करोगे तो इसका जो मीडियन होगा that going to be act as a very good resistance. So what we can do is हम दो तरीकों से strategy बना सकते हैं। First strategy that the closing price of Nifty is 15,300. हमें simple बताया कि अगर हम buy करेंगे तो इसके ऊपर 15,600 that means 300 points far है price अभी, तो हम वो opportunity भी miss नहीं करना चाहते अगर हमें पता है it's a clear reversal. So what we can do is we can start with a very limited lots and we can enter with this level. So let me just show you, as you can see it here, ये levels आपको देखने को मिल रहे हैं, and अगर हम लोग थोड़ा और lower time frame के अंदर चलते हैं, so as you can see it here, it creating a very good base, ठीक है। अगर ये इस बेस के ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हम अपनी एक एंट्री क्रिएट कर सकते हैं विद वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज, ठीक है, विद वेरी लिमिटेड lots, and after that अगर ये ऊपर जाएगा, first target should be this level and the second target should be this level, ठीक है, एंड हम पेशेंसली वेट कर सकते हैं। बट जैसे ही लेवल ब्रेक होता है वी कैन एंटर विद अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी बिकॉज वी ऑलरेडी सीन इन द पास्ट दैट कि आफ्टर अ फिफ्थ वेव वी सॉ अ पॉसिबल रिवर्सल, ठीक है। सो आई होप इतनी बात अभी तक आपको समझ में आई होगी दैट इट्स नॉट अ क्रैश, इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल अ करेक्शन, इट्स ऑन अ करेक्शन फेस एंड इट्स ऑन अ रिट्रेसमेंट फेस एंड इट्स टेकिंग अ वेरी गुड सपोर्ट एट दिस लेवल। दूसरी चीज, हम लोगों ने ऑलरेडी मार्केट पे बोल रहे हैं फियर ऑफ इन्फ्लेशन, फियर ऑफ इन्फ्लेशन, आपको इतनी बात पता है कि ऑलरेडी वी नो इट्स नॉट अ फियर ऑफ इन्फ्लेशन, इट्स ऑलरेडी वी आर इन इन्फ्लेशन, ठीक है। हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो, एंड हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, हमारी क्या वर्ल्ड इकोनॉमी की पहुंच चुकी है, सो वी ऑलरेडी नो, सो वी हैव टू बी वेरी, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, वी हैव टू बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द मार्केट, कि हमने ऑलरेडी उस बात को इंडल्ज कर लिया है। ये जो फॉल हम चेक कर रहे हैं ये फॉल उसी के फियर के चक्कर में है, ठीक है। हमारी यू इकोनॉमी के अंदर कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, सारा कुछ ठीक आ रहा है, कंपनी के रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं एंड इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड, जॉब की एम्प्लॉयमेंट्स हम लोग देख रहे हैं ठीक ठीक हो रही है। अभी एक और योजना भी स्टार्ट करी है कि अच्छे जॉब प्रोवाइड करवाए जाएंगे थ्रू गवर्नमेंट एंड वेरियस अदर थिंग्स आ रही है। सो आई थिंक हमारी इकोनॉमी में कोई ऐसी बैड बड़ी न्यूज नहीं चल रही रैदर देन इन्फ्लेशन एंड FII's आउटफ्लो, बट डेफिनेटली तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ज़्यादा बड़ा क्रैश हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा पेंडेमिक नहीं है, कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है, सो वी हैव टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या निफ्टी के अलावा कोई और ऐसा सेक्शन है या कोई और ऐसे इंडेक्सेस हैं जो पॉज ले रहे हैं? येस डेफिनेटली, लेट मी ओपन अप बैंक निफ्टी फॉर यू। सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो टेकिंग अ वेरी गुड पॉज, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हैं एग्जैक्टली ये लेवल था 23rd of December 2019 को, जिस लेवल से ऑलमोस्ट 32,500 से 17,000-16,000 तक आया था। After that, it gave a very good breakout. It gave a retest and ये ऊपर गया था, ठीक है। तो this is going to be act as a very, very, very good support after giving a breakout from its resistance. So आप यहाँ check कर सकते हो, first time it gave a very good support. Second time इसने support नहीं दिया, but it bounced. And third time again, it tried और ये इसी level पे close करा है. So I personally think
कि ये जो लेवल है इट गोइंग टू बी एक्ट फॉर बैंक निफ्टी एज अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। और अगर ये एक्ट नहीं करता और ये बैंक निफ्टी फॉल करना स्टार्ट करता है, देन द नेक्स्ट एक्ट शुड बी सपोर्ट शुड बी एट दिस लेवल, ठीक है। वाई? बिकॉज अगर आप चेक करोगे एग्जैक्टली जब फर्स्ट टाइम इसने ट्राई करा था टू हिट इट्स रेजिस्टेंस, ये इसी लेवल पे रुका था। अगेन इट गेव अ ब्रेकआउट तो रीटेस्ट करने आया था तो भी इसी लेवल पे रुका था। एज यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली, बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब ब्रेकआउट देने की कोशिश करी तो फर्स्ट टाइम जो एक पुलबैक आया, एक रिट्रेसमेंट आया, वो रिजेक्शन आया, वो एग्जैक्टली इस लेवल तक रुका एंड आफ्टर अ वेरी गुड ब्रेकआउट। तो जब रीटेस्ट की बारी आई तो भी एग्जैक्टली इस लेवल पर रुका। सो दैट मीन्स ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट अगर ये ब्रेक होता है देन दिस इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। 31,000 to 30,800 रुपीज का लेवल। आई होप यू क्लियर। अगर लेट्स टेक एन एजम्पशन, हम लोगों ने बात करी कि अगर निफ्टी ब्रेक्स 15,180 लेवल, सो व्हाट शुड बी द टारगेट, जो हमने टारगेट बात करी थी, एंड बैंक निफ्टी ब्रेक दिस लेवल व्हाट शुड बी द टारगेट, दिस शुड बी द टारगेट, ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू नाउ, अगर दोनों सेम टाइम पे ब्रेक करते हैं, वी सॉ अ बुलिश सॉरी बियरिश कैंडल क्लोज बिलो ऑन अ डेली डेली बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल क्लोज बिलो दीज लाइंस, देन एंड देन ओनली वील एंटर डे आफ्टर टुमारो फॉर दिस टारगेट, अदरवाइज वी विल नॉट एंटर। वी विल नॉट एंटर ऑन अ इंट्राडे बेसिस अगर वो ये लेवल्स को ब्रेक करता है, बिकॉज वहां पर एज अ ट्रैप जोन बन सकता है एंड वहां पे बुलिश को सॉरी बियरिश को ट्रैप करके एक मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर मनी, वी हैव टू बी वेरी कन्फर्म कि हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है। हम लेट लेंगे बट हम लोग एक 100% कन्फर्मेशन के साथ लेंगे कि येस नाउ वी आर रेडी टू एंटर द मार्केट, ठीक है। सो जस्ट लेट मी जस्ट स्टडी फॉर अदर सेक्टर्स एज वेल। अगर आप चेक करोगे अदर देन बैंकिंग सेक्टर और अदर देन ऑटो सेक्टर, आई एम नॉट सीइंग एनी अदर गुड सेक्टर्स, ठीक है। सो ऑटो ने भी ज़्यादा फॉल नहीं करा एंड अगर हम चेक करें PSU बैंक्स की तो यस इट्स फॉल अ लिटिल बिट। IT सेक्टर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। सो कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे तो हैं, बट अभी तक कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो अभी तक अपने सपोर्ट पे नहीं आए हैं, ठीक है। US मार्केट आप ऑलरेडी देख सकते हो कि अपने 61% रिट्रेसमेंट तक ऑलरेडी आ चुकी है एंड ये 38% देख रहे हैं। डाउ जोन्स इट्स टेकिंग अ वेरी क्लियर सपोर्ट एट दिस लेवल, सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम बुलिश मोमेंटम, बिकॉज अभी एक महीना है दूसरी मीटिंग को आने में एंड फ्रॉम दिस पॉइंट उस पीरियड तक मार्केट एज अ साइडवेज तो एक अप ट्रेंड काम कर सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बेसिस पे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, वट शुड वी डू, शुड वी स्टार्ट बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, शुड वी फॉलो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, शुड वी स्टार्ट putting money on the market for long term purpose, for investing purpose? Yes. First of all, let me just show you Nifty. ठीक है, let's take Nifty. So Nifty में हमें पता है that it's taking a very good support at this level. ठीक है, we know that. अब ये एक अच्छा support ले रहा है तो that means एक on a weekly time frame it's a very good support and through Elliott Wave Theory we are seeing that यहाँ से एक possible reversal आता है. So if we saw a reversal, अगर हम लोगों ने जो levels आपको बताए थे जिस level के ऊपर हमें buy करने हैं some lot some we can pick, so उसके ऊपर अगर जाता है we can enter in some good stocks, some good quality stocks. I will suggest you कि हमें कौन से sector से दूर रहना है। For example, first IT sector पे trade मत लेना, ये investing purpose के लिए अभी buy मत करना। Sugar sector पे अभी buy मत करना, ठीक है। ये दो sector हो गए, इन दोनों sector पे अभी buy मत करना। Third is metal, ठीक है। कोई भी कमोडिटी मार्केट के अंदर कमोडिटी स्टॉक्स को बाय मत करना, ठीक है। वेदर इट्स मेटल, वेदर इट्स शुगर, आईटी सेक्टर को बाय मत करना। ये तीन सेक्टर को इग्नोर करो एंड आप और सेक्टर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। FMCG से भी अभी थोड़े टाइम के लिए दूर रहो। सो अब क्वेश्चन पुट हो रहा है कि सर कौन से सेक्टर पर इन्वेस्ट करें। देखिए माय थिंकिंग कि बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग गुड, बैंकिंग सेक्टर भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के अंदर यू कैन डू, ऑटो सेक्टर के अंदर आप SIP ऐसा क्रिएट कर सकते हो, कुछ कुछ क्वांटिटीज यू कैन बाय, ठीक है। अब बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज बाय करना, अदर देन अगर ये फॉल करता है हमारे लेवल के ब्रेक होने के बाद भी फॉल करता है देन वी आर रेडी टू एंटर अगेन, बिकॉज हमारे पास वो अमाउंट होना चाहिए। सो मेक श्योर अगर आपके पास 1,00,000 की कैपिटल है, सो डोंट पुट योर ऑल 1,00,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। ट्राई टू पुट 30,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर लेवल इफ देयर वॉज अ फॉल, इनफॉर्चुनेटली अगर फॉल आ जाता है और वो इस लेवल तक आता है, सो वी हैव द सरप्लस मनी टू एंटर अगेन एट 30,000-40,000 टू बाय दैट पर्टिकुलर, टू डू अ हेजिंग, ठीक है। तो क्लियर बेसिस पे समझो, वी हैव टू सेव आवर मनी नाउ,
ठीक है, मार्केट इज वेरी वेरी इनडिसाइसिव, मार्केट इज नॉट डूइंग वेरी गुड, दे आर नॉट अ वेरी गुड ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज वी आर फाइंडिंग इन द मार्केट, वेदर इट्स ऑन स्टॉक्स वेदर इट्स ऑन इंडेक्स, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ठीक है फ्रॉम द मार्केट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई है बट आई नो आप लोगों ने बहुत इंजॉय करा होगा, कुछ सीखा होगा. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो मार्केट के अंदर डर रहे हैं कि ये क्रैश है, मार्केट पे हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए. जिनके भी पैसे डूबे हुए हैं, इफ दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ गुड क्वालिटीज कंपनी, स्टे ट्यून. आप मार्केट पे पॉज रहो, डोंट एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक्स, स्टार्ट एवरेजिंग इफ दे आर अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर अलॉट. ठीक है, इट विल रिकवर योर फीस. बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे.